हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में, जिसमें मैं बताऊंगी मैंने अपना बर्थडे कैसे मनाया। सबसे पहले रात को मेरे फ्रेंड्स आए तो हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, और फिर रात को ही हम लोगों ने लगभग 1-2 बजे तक खूब मस्ती की। वो कुछ केक वेक लेकर आए थे, बलून लेकर आए थे, मेरी फ्रेंड ने मुझे टैटी गिफ्ट किया। फिर उसके बाद आता है अगला दिन, मैं गई ऑफिस, ऑफिस ने मुझे बर्थडे विश किया, जिसमें एक रोज़ और उनकी विशेष थी। फिर टीममेट ने मेरे लिए केक तैयार किया था, उसके बाद हम सारे टीममेट्स ने मिलकर केक कटिंग किया। उसके बाद मैंने कुछ फ़ोटो सेशन किए, मतलब मैंने अपने कुछ पोजेस दिए, फ़ोटोज़ लिया, सब ने साथ में मिलकर केक वगैरह काटा। फिर उसके बाद हम लोगों ने खूब सारी मस्ती की, जिसमें हम लोगों ने पोजेस देकर सब साथ में मिलकर फ़ोटोज़ भी ली। फिर आता है बात करने, फिर मैं जाती हूँ बनारस। मेरा बहुत मन था बनारस घूमने का, फिर मैं बनारस गई। बनारस पर सबसे पहले मैं गई VT विश्वविद्यालय का कैंपस घूमा, रात को मैंने डिनर किया। उसके बाद नए दिन फिर मैं VT गई और मैंने वहाँ का कुछ अच्छा अच्छा जो प्लेस था वो भी विज़िट किया, वहाँ मैं घूमी। उसके बाद मैं जब कैंपस गई थी तो वहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी। उसके बाद मैं गई केशव पान भंडार, फिर अगले दिन मैंने बनारस के घाट में कुछ फ़ोटोज़ ली जो आप देख सकते हैं, सुंदर सुंदर पोज देकर कुछ नाव में भी ली थी। उसके बाद मैं 80 घाट में भी जाकर मैंने 1-2 फोटोज़ ली थी। फिर नेक्स्ट डे आता है, इस दिन मैं जाती हूँ कहाँ, बेटियों के रेस्टोरेंट में। बेटियों का रेस्टोरेंट कहाँ पर है, वही है बनारस में ही, जिसका नाम है बाटी चोखा। तो ये था मेरा पूरा इस साल का बर्थडे।